अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के तत्वावधान में बुधवार को सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, नारी शिक्षा के प्रेरक, गरीबों और दलितों के मसीहा महात्मा गोविंदराव ज्योतिबा फुले की 129वीं पुण्यतिथि पर अजमेर क्लब के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बुधवार सुबह से ही शहर के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, राजनीतिक पार्टियों के नेता, संस्था और संगठनों के पदाधिकारी ज्योतिबा फुले सर्किल पहुंचे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, ज्योतिबा फुले अमर रहे जैसे नारों से चौराहे को गुंजायमान कर दिया। मौके पर मौजूद अपार जनसमूह ने महात्मा ज्योतिबा फुले के बजाय मार्ग और आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महापौर धर्मेंद्र गहलोत, भाजपा प्रत्याशी अनीता बधेल और वासुदेव देवनानी, कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह ललावता, परिषद के अध्यक्ष पूनम चंद मारोठिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। 128वीं पुण्यतिथि है और इस 128वीं पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने जो शिक्षा का मार्ग दिखाया उस शिक्षा के मार्ग के साथ में उन्होंने एक जागरूकता का काम किया। जितनी रूढ़िवादिता थी, जितने अंधविश्वास थे, उन सब रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को दूर करने का काम किया और इसी के कारण से समाज में इतनी जागरूकता फैली, जागरूकता आई है। तो हम ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महात्माओं को नमन करते हैं और आने वाली पीढ़ी और आज का समाज भी उनके बताए गए इन पद चिन्हों पर निश्चित रूप से चलेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा और समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त होगा, प्रगतिशील समाज बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी हार्दिक दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। महात्मा फुले की 128वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। वास्तव में महात्मा फुले जो एक समाज सुधारक रहे और उनके पत्नी सावित्री फुले ने जिस प्रकार से महिलाओं के शिक्षा में योगदान दिया, वास्तव में उन्होंने समाज में जो एक प्रकार की क्रांति लाई, आज भी वो आवश्यक है और हम सब आज के इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 128वीं जयंती के अवसर के ऊपर पूरा समाज, इनके पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर पूरा समाज के साथ साथ पूरा राष्ट्र आज इनको नमन कर रहा है, इनको श्रद्धा व्यक्त कर रहा है और जो इन्होंने सामाजिक जो क्रांति के अग्रदूत के रूप में जो इस देश में काम किया उन कामों को आज हम लोग स्मरण करके जो बालिका शिक्षा महिलाओं को जो पढ़ाने का जो काम था आज बहुत जरूरत है इस देश को आगे बढ़ने के लिए इनके सिद्धांतों को अपनाने की और कांग्रेस की तरफ से तमाम जनों की तरफ से ऐसे महान शख्सियत के दिवस को हृदय के साथ, श्रद्धा के साथ हम लोग नमन करते हैं और अपने जीवन में उसको अपनाने का आज हम लोग शपथ लेते हैं। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको हार्दिक बधाई और उनको सशक्त नमन और सशस्त्र जो है वंदन कि ऐसे महापुरुष की आज जन्म जयंती है जिस पर कि जिन्होंने एक महिला जो नारी को शिक्षा के लिए उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और सर्वप्रथम उन्होंने नारी शिक्षा के अंदर अपनी स्वयं की पत्नी को ऐसा शिक्षित किया तो जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षाविद रहे। ऐसे महापुरुषों की वजह से ही निश्चित तौर पर हमारे देश में जो है एक सामुदायिक सद्भावना और सब मिलजुल कर रहने का, भाईचारे का जो संदेश देती है, इनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर निश्चित तौर पर हम देश की तरक्की उन्नति कर सकते हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।